गदर 2 के ट्रेलर में कैसे लगी सनी देओल? ट्रेलर में कितना गदर मचा पाए सनी देओल? 22 साल बाद फिर तारा सिंह बनकर छाए हैं सनी। सनी देओल ने फिर से पाकिस्तान में मचाया तहलका। गदर एक प्रेम कथा, ये फिल्म जो हर हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी से लेकर पाकिस्तान की जमीन पर सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन तक, 2001 में रिलीज हुआ इस फिल्म में कई ऐसी चीजें भी थी जिसे आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना कि फिल्म के रिलीज के वक्त किए थे। दरअसल ये प्रेम कहानी अब और भी आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि 22 साल बाद अब गदर 2 आने जा रही है जिसका 26 जुलाई को ट्रेलर जारी किया गया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि गदर के पहले पार्ट में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को लाने के लिए पाकिस्तान गए थे। वही रिलीज हुए नए ट्रेलर को देखकर ये बात तो साफ हो गया है कि इस बार तारा सिंह अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे। दरअसल ट्रेलर देखने के बाद गदर की कहानी एक बार फिर से दिमाग में फ्लैशबैक की तरह घूमने लग गई है। लेकिन चलिए अब यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में सनी देओल गदर मचाने में कामयाब हुए हैं। आपको बता दें कि गदर 2 के ट्रेलर में सनी देओल को देखने के बाद 22 साल पुराने वाले वही तारा सिंह की याद आ जाती है जो अकेले पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। अगले पार्ट को बनाने में मेकर्स ने काफी लंबा समय तो ले लिया, लेकिन 22 सालों के बाद भी सनी देओल ट्रेलर में उसी जज्बे के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों को ये भी बता दें कि ट्रेलर में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा, जो कि सनी के बेटे के रोल में है, लोगों को उनकी एक्टिंग खूब पसंद आई है। वहीं बात अगर कर ले 3 मिनट 2 सेकंड के इस ट्रेलर में अमीषा पटेल को काफी कम स्पेस मिला है जिसमें वो कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब फिल्म में कुछ ऐसा दिख जाता है जिसकी ट्रेलर में उम्मीद नहीं होती, इसलिए फिल्म में अमीषा पटेल को कितना लंबा स्पेस मिलेगा, वो कितना कमाल दिखा पाएंगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।